हेलो एवरीवन, ये हमारी स्टैटिक जीके सीरीज का अगला भाग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के बारे में बताएंगे, उसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते जाएंगे। आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इस पांच देशों का समूह है, जो कि ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक पांच मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। और ब्रिक्स को बनाने का जो मेन पर्पज़ है, वो इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हो, और एक दूसरे कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो अब आप बताइए कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर है शंघाई, चाइना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन। आपको हम यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ दे देना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आप नाम से ही सुन पा रहे हैं कि यह यूरोप में है, और इस यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप के ही कंट्रीज़ हैं। इन जनवरी 2020 में यूके मतलब लंदन या यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा मेंबर बना जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है। तो हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। गैट जो है अब रिप्लेस हो चुका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और गैट जो है एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएं, और जितने भी टैरिफ दूसरी कंट्रीज लगाती हैं इंपोर्ट पर, जो कोटा अप्लाई होता है, उन कोटास को क्या किया जाए, कम किया जाए या कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही चीपर या बहुत ही हेल्दियर हो। तो देखते हैं गेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी। एडीबी एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेन पर्पज़ है इसे बनाने का, वो है कि एशियन कंट्रीज़ के बीच में समृद्धि आए, सबका विकास हो, और एक ऐसा रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ताकि एशियन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है उसे ख़त्म कर दिया जा सके, और एशिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। तो आइए देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिलीपींस, मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी ही मनीला है, एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आसियान। आसियान एक एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान से रिलेटेड कुछ जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रीटी के द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें कम से कम दो या दो से नेशन मिल करके काम करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ गोल होता है एक दूसरे के प्रति अच्छा फेथ बनाया जाए, एक कॉमन इंटरेस्ट पर काम किया जाए। तो आसियान इसी तरह से एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एसोसिएशन है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और मिलिट्री, एजुकेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो देखते हैं आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है। जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है नाटो। नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 29 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ को मिला करके बनाया गया है। इसका मेन पर्पज़ यह है कि जब कभी भी नाटो के एक कंट्री के ऊपर किसी भी तरह का हमला किया जाए तो सारी कंट्री एक साथ मिल करके उसे डिफेंड कर सकें। तो आइए देखते हैं नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है।
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है ये 55 अफ्रीकन कंट्रीज का एक मेंबर है। इसमें जो इनका गोल है अफ्रीकन यूनियन को बनाने का, वो है कि जो 55 कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन की, जो इसकी मेंबर हैं, उनका एक दूसरे के प्रति यूनिटी, मतलब एक दूसरे को साथ दें, सामंजस्य बनाएं और एक दूसरे का समर्थन करें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है किस लिए काम करता है? एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज या सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके। आपको एक जानकारी बता देना चाहते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस में अब तक में 97 मिलियन वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क, सार्क जो है एक एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। तो आइए हम जान लेते हैं सार्क के बारे में। एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक जियो पोलिटिकल यूनियन है स्टेट के बीच में, और जो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन आते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? केन्या नैरोबी में है। केन्या जो है एक अफ्रीकन कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में एक सहायता दिया जाए ताकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज हो उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉयंस फ्रांस में है। इसका मेन मतलब इसे बनाने का इंटरपोल का है ताकि वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल को फैसिलिटेट किया जा सके, इसे बढ़ावा दिया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टेरिफ को ही रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को इजिली फैसिलिटेट किया जा सके, स्मूथली ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।